जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोकोमोटिव क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं और यह कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि किसी भी लोकोमोटिव को कैसे जाने या कैसे पहचाने कि वो डीजल लोकोमोटिव है या इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव है। किसी भी लोकोमोटिव को जानने के लिए कि वो डीजल है या इलेक्ट्रिकल है, उसको हम यहाँ से पता करते हैं। देखिए, ये W का मतलब होता है ब्रॉड गेज। जितनी भी सारी लोकोमोटिव है इंडिया में, उस सब लोकोमोटिव ब्रॉड गेज पे चलती है, ठीक है। ये W कॉमन रहेगा हर एक लोकोमोटिव में। तो ब्रॉड गेज को समझते हैं क्या होता है। देखिए, दो रेल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेज बोलते हैं। और दो रेल के बीच के डिस्टेंस कितना होता है? 1676 mm, ठीक है। तो अब गेज समझ लिए क्या होता है, दो रेल के बीच के डिस्टेंस को हम गेज बोलते हैं। और गेज के कई टाइप होते हैं, और उसमें से एक जो टाइप है ब्रॉड गेज है, और इंडिया में ब्रॉड गेज यूज होता है। ब्रॉड गेज को हम लोग W से इंडिकेट करते हैं। और जो सेकंड लेटर होता है, इससे ये पता होता है कि वो लोकोमोटिव को पावर कहाँ से मिल रहा है। जैसे ए है, ए का मतलब क्या होगा? AC इलेक्ट्रिक, मतलब वो AC इलेक्ट्रिक पावर है, ठीक है। अगर एक जगह पर डी रहता, जैसे हम यहाँ पर देखें, ए की जगह पर यहाँ पिक्चर में देखें, मिडिल लेटर जो डी है, ये डी है, तो डी का मतलब क्या हुआ? डीजल पावर, मतलब उसको लोकोमोटिव को पावर कहाँ से मिल रहा है? डीजल से मिल रहा है, ठीक है। तो हम इस मिडिल लेटर से बता सकते हैं कि वो कोई भी लोकोमोटिव डीजल पावर्ड है या इलेक्ट्रिक पावर है, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड लेटर, पिक्चर वन में थर्ड लेटर देखते हैं। थर्ड लेटर जी का मतलब क्या हो गया? गुड्स। जो थर्ड लेटर है वो ये बताता है कि वो लोकोमोटिव को हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। अगर थर्ड लेटर जी है तो गुड्स के लिए, जैसे हम पिक्चर टू में देखें। अगर थर्ड लेटर पी है तो पैसेंजर के लिए, ठीक है। अगर थर्ड लेटर एस है, जैसे हम थर्ड पिक्चर में देखें, थर्ड पिक्चर में ये है WAS, एस है तो एस किसके लिए? शंटिंग के लिए, ठीक है। अगर थर्ड लेटर एम रहता, जैसे हम इस पिक्चर में देखें, थर्ड लेटर एम रहता, जैसे ये फर्स्ट पिक्चर थर्ड लेटर एम है, इसका मतलब क्या हो गया? मिक्स, ये मतलब ये दोनों चीज़ के लिए होता है, पैसेंजर प्लस गुड्स के लिए। अगर हम इसको हम सेकंड पिक्चर में देखते हैं, W का मतलब क्या हो गया? ब्रॉड गेज। डी का मतलब क्या हो गया? डीजल पावर। जी का मतलब क्या हो गया? गुड्स, ठीक है। इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी लोकोमोटिव को हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब कि वो गुड्स के लिए यूज कर रहे हैं या पैसेंजर के लिए यूज कर रहे हैं या सेंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। या कोई भी लोकोमोटिव डीजल पावर है या इलेक्ट्रिक पावर है, इस तरह से हम पता कर सकते हैं। जैसे अगर हम थर्ड पिक्चर में देखें, तो W का मतलब क्या हो गया? ब्रॉड गेज। डी का मतलब क्या हो गया? डीजल पावर। पी का मतलब क्या हो गया? वो लोकोमोटिव पैसेंजर के लिए यूज हो रहा है। और जो ये 4 लिखा रहता है ना, ये बताता है हॉर्स पावर को, मीन्स 4000 HP हॉर्स पावर का है, ठीक है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कोई भी लोकोमोटिव कि वो डीजल पावर है या इलेक्ट्रिक पावर है, या किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, पैसेंजर के लिए यूज हो रहा है या वो गुड्स के लिए यूज हो रहा है या मिक्स्ड है या सेंटिंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अब हम डीजल लोकोमोटिव का वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। देखिए, इंडियन रेलवे में जितने भी डीजल लोकोमोटिव हैं, वो 100% डीजल लोकोमोटिव नहीं है, वो डीजल प्लस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, ठीक है। डीजल प्लस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। इस पिक्चर को हम दो फ्रेम में डिवाइड करते हैं, एक अपर फ्रेम और एक लोअर फ्रेम। अपर फ्रेम में मोस्टली जो इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ओके। और इनका क्या काम होता है हम समझते हैं। देखिए, ये है डीजल इंजन, इसमें 16 सिलेंडर लगे रहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये दो रो में लगे रहते हैं, एक रो में 8 और एक रो में 8। इस पिक्चर में देखिए, रो 1 है ये, इसमें 8 लगे हैं, ये रो 2 है, इसमें 8 लगे हैं, ये सारे सिलेंडर हैं, ठीक है। ये मेन जनरेटर है, इसी तरह का जनरेटर होता है। जब डीजल इंजन स्टार्ट हो जाता है, तो ये जनरेटर के साथ कनेक्टेड रहता है, तो जनरेटर को ड्राइव करता है। ये है इलेक्ट्रिक जनरेटर, और इलेक्ट्रिक जनरेटर AC पावर जनरेट करता है। ये AC पावर ट्रांसफार्मर को सेंड करता है, और ट्रांसफार्मर AC पावर को रेक्टिफायर को सेंड करता है। रेक्टिफायर AC पावर को DC में कन्वर्ट कर देता है, और वो DC पावर इन्वर्टर तक आता है, DC पावर इन्वर्टर तक आता है, इन्वर्टर उसको
थ्री फेज एसी में कन्वर्ट कर देता है, थ्री फेज एसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और इस थ्री फेज एसी को हम ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई करते हैं, यह है ट्रैक्शन मोटर, ट्रैक्शन मोटर। अब थ्री फेज एसी ट्रैक्शन मोटर तक आ गया, इसका मतलब है कि अब हम जो अपर फ्रेम जो समझ अपर फ्रेम में डिवाइड किए थे दो फ्रेम में, अपर फ्रेम और लोअर फ्रेम, तो अपर फ्रेम का काम खत्म, मतलब थ्री फेज एसी पावर जब जनरेट हो गया तो अपर फ्रेम का काम खत्म। अब हम लोअर फ्रेम को समझते हैं। देखिए ये एग्जैक्टली जो ट्रैक्शन मोटर होता है डीजल लोकोमोटिव में वो इस तरह का होता है, ट्रैक्शन मोटर, ठीक है। ट्रैक्शन मोटर में एक पिनियन गियर लगा रहता है, ये छोटा सा गियर होता है पिनियन गियर, और ये है एक्सल, एक्सल में एक व्हील, एक्सल में एक गियर लगा रहता है जिसका नाम होता है बुल गियर, यह है व्हील, ठीक है। ये जो ट्रैक्शन मोटर है इसको हम एक्सल के ऊपर फिक्स कर देते हैं, जैसे ये दो टेक्नीशियन एक्सल के ऊपर फिक्स कर रहे हैं। अब पिक्चर टू में देखिए ये ट्रैक्शन मोटर कम्प्लीटली एक्सल के ऊपर फिक्स हो चुका है। जब एक्सल के ऊपर फिक्स हो जाता है तो ये पिनियन गियर और बुल गियर ये मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। जब थ्री फेज एसी ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई किया जाता है तो पिनियन गियर रोटेट करना शुरू कर देता है, जब पिनियन गियर रोटेट करेगा तो बुल गियर भी रोटेट करना शुरू कर देगा, जब बुल गियर रोटेट करेगा तो उसके साथ एक्सल अटैच है तो एक्सल भी रोटेट करना शुरू कर देगा, और जब एक्सल रोटेट करना शुरू कर देगा तो व्हील में रोटेशन आ जाएगा, क्योंकि एक्सल और व्हील एक दूसरे के साथ अटैच है, ठीक है। जब व्हील अटैच करेगा, जब व्हील रोटेट करेगा तो लोकोमोटिव कि तो आगे फॉरवर्ड करेगी या पीछे फॉरवर्ड करेगी, ठीक है। अगर व्हील आगे की तरफ रोटेट कर रहा है तो लोकोमोटिव आगे की तरफ जाएगी, अगर व्हील पीछे की तरफ फॉरवर्ड कर रहा है तो लोकोमोटिव पीछे की तरफ आएगी, ठीक है। तो इस तरह से लोकोमोटिव की तो आगे जाती है नहीं तो पीछे जाती है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि व्हील का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि थ्री व्हील पीछे लगा है और थ्री व्हील आगे लगा है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप का है, 1, 2, 3 ये पीछे लगा है और 3 आगे लगा है, 1, 2, 3। इसको हम कोको कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, कोको। अगर दो व्हील हो, दो व्हील पीछे और दो व्हील आगे, तो इसको हम कहेंगे बोबो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इस तरह से लोकोमोटिव डीजल लोकोमोटिव काम करता है। अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में जो मेन पावर का सोर्स होता है वो इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब हम इलेक्ट्रिसिटी को ओवरहेड लाइन से कलेक्ट करते हैं, ओवरहेड लाइन, और कैसे कलेक्ट करते हैं देखिए अब हम समझते हैं। पिक्चर टू में देखिए ये दो वायर लगे रहते हैं, ओवरहेड इक्विपमेंट्स में दो वायर लगे रहते हैं, एक है कॉन्टेक्ट वायर, एक है कैटेनरी वायर, ठीक है। अब पिक्चर वन में देखिए ये है अपना पेंटोग्राफ डिवाइस, पेंटोग्राफ, पेंटोग्राफ कॉन्टेक्ट वायर के कॉन्टेक्ट में रहता है, यह है कॉन्टेक्ट वायर, यह है कॉन्टेक्ट वायर, इसके कॉन्टेक्ट में पेंटोग्राफ एक डिवाइस है वो कॉन्टेक्ट में रहता है, और कॉन्टेक्ट वायर में एसी करंट रहता है। अब उस एसी करंट को पेंटोग्राफ ने कलेक्ट करता है, इस एसी करंट को पेंटोग्राफ ने कलेक्ट कर लिया। अब वो कलेक्ट करने के बाद एक डिवाइस लगा रहता है, ये लोकोमोटिव के रूफ लेवल पे एक डिवाइस लगा रहता है जिसका नाम है सर्किट ब्रेकर, उसको सेंड करता है। पेंटोग्राफ ने एसी करंट को कलेक्ट किया और सर्किट ब्रेकर को सेंड किया। सर्किट ब्रेकर का काम होता है कि एक्सेस करंट के थ्रू जो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को डैमेज कर सकता है, उसे प्रोटेक्ट करना, मींस मेनली ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, सर्किट ब्रेकर। और एक और डिवाइस लगा रहता है जिसका नाम है सर्ज अरेस्टर, इसका काम क्या होता है कि लाइटनिंग के वक्त जब एक्सेस करंट जनरेट हो जाता है, उस एक्सेस करंट से जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को डैमेज हो सकता है उससे बचाना, ठीक है। आप दो डिवाइसेस का फंक्शन समझ लिए। तो अब हम क्या अब हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, एसी करंट को हम सर्किट ब्रेकर तक कनेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब जब सर्किट ब्रेकर, यह है आपका सर्किट ब्रेकर, हम एसी करंट को सर्किट ब्रेकर तक कलेक्ट कर चुके हैं थ्रू पेंटोग्राफ। अब उस सर्किट ब्रेकर से एसी करंट कहाँ पर जाएगा, आपका ट्रांसफार्मर में जाएगा, यह है आपका ट्रांसफार्मर, मेन ट्रांसफार्मर है ये, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर उस एसी करंट को रेक्टिफायर को सेंड करेगा, ये रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर क्या करता है कि उस एसी करंट को डीसी में बदल देता है, और ये डीसी करंट कहाँ जाएगा, इन्वर्टर के पास जाएगा, ये है आपका मेन इन्वर्टर, ठीक है। ये इन्वर्टर क्या करता है कि डीसी करंट को
थ्री फेज एसी में बदल देता है। ठीक है, अब ये थ्री फेज एसी करंट कहाँ जाएगा, आपके ट्रैक्शन मोटर को जाएगा। ये है आपका ट्रैक्शन मोटर, थ्री फेज एसी मोटर। ठीक है, अब थ्री फेज एसी मोटर कहाँ, थ्री फेज एसी पावर कहाँ चला गया, ट्रैक्शन मोटर के पास चला गया। अब हम समझते हैं कि ट्रैक्शन मोटर कैसे काम करता है। देखिए, ट्रैक्शन मोटर में एक पिनियन गियर लगा रहता है, ये छोटा सा गियर होता है पिनियन गियर, और ये है एक्सल। एक्सल में एक गियर लगा रहता है जिसका नाम होता है बुल गियर, यह है व्हील। ठीक है, ये जो ट्रैक्शन मोटर है इसको हम एक्सल के ऊपर फिक्स कर देते हैं। जैसे ये दो टेक्नीशियन एक्सल के ऊपर फिक्स कर रहे हैं, अब पिक्चर टू में देखिए ये ट्रैक्शन मोटर कम्प्लीटली एक्सल के ऊपर फिक्स हो चुका है। जब एक्सल के ऊपर फिक्स हो जाता है तो ये पिनियन गियर और बुल गियर ये मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। जब थ्री फेज एसी ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई किया जाता है तो पिनियन गियर रोटेट करना शुरू कर देता है। जब पिनियन गियर रोटेट करेगा तो बुल गियर भी रोटेट करना शुरू कर देगा। जब बुल गियर रोटेट करेगा तो उसके साथ एक्सल अटैच है तो एक्सल भी रोटेट करना शुरू कर देगा, और जब एक्सल रोटेट करना शुरू कर देगा तो व्हील में रोटेशन आ जाएगा, क्योंकि एक्सल और व्हील एक दूसरे के साथ अटैच हैं। जब व्हील रोटेट करना शुरू कर देगा तो लोकोमोटिव की तो आगे की तरफ मूव करेगा या पीछे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये है इस तरह से मेन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव काम करता है। मोस्टली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और डीजल लोकोमोटिव का प्रिंसिपल सेम है, मेन पावर का डिफरेंस है कि हम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में जो मेन पावर का सोर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी है, और डीजल लोकोमोटिव में जो मेन पावर का सोर्स है क्या है, वो डीजल है। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और डीजल लोकोमोटिव दोनों समझ लिए, और एक और चीज़ हम समझ लेते हैं, जो डिवाइसेस कुछ लगे रहते हैं ट्रेन के अंदर जो कूलिंग के लिए या हीटिंग के लिए, ठीक है, या बैटरी चार्ज के लिए, उसको पावर हम ऑक्सिलरी इन्वर्टर के थ्रू देते हैं। ये ऑक्सिलरी इन्वर्टर है, इसके थ्रू हम उनको पावर देते हैं। आई होप कि आपको डीजल लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव का वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।